नमस्कार, मैं रीति फौजर, आप देख रहे हैं हमारे साथ द नगरी न्यूज। आज हम आपको बताएंगे कि देश में 21 लाख से ज्यादा सरकारी वेब पोर्टल हैं, जिन पर रोज लाखों लोग विजिट करते हैं। चिंता की बात यह है कि केंद्र व राज्य सरकार के ऐसे 300 से ज्यादा वेब पोर्टल हैकर्स के कब्जे में हैं। इन पर ऑनलाइन गेमिंग और क्रिकेट सट्टेबाजी के विज्ञापन दिखाते हैं, जिससे कोई भी क्लिक करते ही इसे पेमेंट गेटवे से जोड़ दिया जाता है। इन यूआरएल का लिंक सोशल मीडिया के जरिए देश के छोटे छोटे शहरों तक भी भेजा जा रहा है। केंद्र कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम ने ऐसे कई वेब पोर्टल पर मार्क किया है, यानी कि नकली और मिलावटी सामान के प्रति आग्रह करने वाले भारत मानक ब्यूरो का पोर्टल भी इस सट्टेबाजों के हत्थे चढ़ा हुआ है। इंडोनेशिया, थाईलैंड और पाक में बैठे स्कैमर्स इसके जरिए हजारों करोड़ रुपए के दावे लगा रहे हैं। समस्या यह है कि कई राज्यों को इस तरह की हैकिंग की जानकारी तक नहीं है। कई सरकारों को जानकारी है तो वो इसका तत्कालीन एक्शन नहीं ले रही है। रैनसोमवेयर अटैक के जरिए साइबर सिक्योरिटी टीम का डाटा ब्लॉक कर रहे हैकर्स इस हैकिंग की जानकारी केंद्र के कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम के पास भी है, मगर साइबर सिक्योरिटी टीम इसे ठीक करने से जुटी रहती है। तो हैकर्स पोर्टल पर पूरा डाटा कब्जा करने के बाद रैनसोमवेयर अटैक कर देते हैं। साइट पर इकट्ठा डाटा ये एक्सेस नहीं करने देते। सरकार की दर्जनों वेबसाइट रोज रैनसमवेयर अटैक का शिकार बन रही हैं। 300 से ज्यादा सरकारी पोर्टल्स पर भी सट्टेबाजों के लिंक भेजे जा रहे हैं। ये लिंक उस समय खास तौर पर भेजा जाता है जब कोई क्रिकेट मैच चल रहा हो। आईपीएल में तो ये पूरे जोर से चलता है। हैकर सरकारी पोर्टल के यूआरएल को केवल विज्ञापन के लिए लोगों तक भेजते हैं। जैसे ही कोई गेम के लिए ऑनलाइन होता है, उसे अपने पेमेंट गेटवे से जोड़ दिया जाता है। इस पेमेंट गेटवे पर वॉलेट होता है, जो गेम खेलने के लिए इसका पहले रिचार्ज करवाते हैं, यानी पूरा पैसा एडवांस। विकल्प के तौर पर क्रिप्टो में पैसे मंगवाए जाते हैं, तो ऐसे स्कैम से सतर्क रहें। और साथ ही हम आपको कुछ ऐसी लिंक्स डिस्क्रिप्शन में दे रहे हैं, जिन पर आप जागरूक रहें, जिन पर आप टैप ना करें। आज के लिए बस इतना ही। ऐसे न्यूज़ अपडेट्स के लिए बने रहिए हमारे चैनल द नगरी न्यूज़ के साथ। धन्यवाद।